आज का पहला सेंटेंस है, मैम मुझे आपसे अपना बैग मुझे देने के लिए कहा गया है, या मुझसे कहा गया है कि आप मुझे अपना बैग दे दें। इसे कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, मैम आई हैव टू आस्क, मुझसे कहा गया है, यू मतलब आपसे कहने के लिए मुझसे कहा गया है, टू गिव योर बैग टू मी, अपना बैग मुझे देने के लिए, मैम मुझसे कहा गया है कि आप अपना बैग मुझे दे दें, यू टू गिव योर बैग टू मी, मुझसे कहा गया है आपका बैग लेने के लिए। दुकान में प्रवेश करने से पहले, बिफोर एंटरिंग द स्टोर, बिफोर पहले, बिफोर एंटरिंग द स्टोर। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि आप दुकान में प्रवेश करना चाहती हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन टू द स्टोर, इन टू द स्टोर मतलब दुकान के अंदर, वॉन्ट माने चाहना, इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन टू द स्टोर, गो का अर्थ हो जाएगा प्रवेश करना, हम एंटर शब्द यूज नहीं कर सकते, इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन टू द स्टोर। लेकिन आपके पास बैग के साथ खरीदार हैं, बट यू हैव शॉपर्स विद बैग इन साइड, मतलब दुकान के अंदर जो लोग हैं उनके पास बैग हैं, बट यू हैव शॉपर्स, आपके पास ऐसे शॉपर्स हैं विद बैग इन साइड, बैग के साथ दुकान के अंदर, बट यू हैव शॉपर्स विद बैग इन साइड, उनके पास दूसरे बैग हैं, दे हैव अदर बैग्स, दे हैव अदर बैग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैम आप दुकान में प्रवेश नहीं कर सकेंगी, देखिए सकेंगी आया है इसलिए यहाँ वुड आएगा और वुड के साथ नॉट लगेगा, तो यहाँ हमने एपोस्ट्रोफी लगा कर लिख दिया है वॉन्ट, मैम यू वॉन्ट गेट इनटू द स्टोर, स्टोर में प्रवेश करने को हम गेट इनटू भी यूज कर सकते हैं, यू वॉन्ट गेट इनटू द स्टोर, आप दुकान में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। जब तक आप मुझे बैग नहीं दे देती, लास्ट सेंटेंस ये जुड़ा हुआ है कि आप दुकान के अंदर तब तक प्रवेश नहीं कर सकेंगी, जब तक आप मुझे अपना बैग नहीं दे देती, अनलेस, अनलेस का अर्थ है जब तक, यू हैंड मी द बैग, अपना बैग मुझे दे देती हो, जब तक यू हैंड मी द बैग, हैंड मी मतलब वही हैंड ओवर करना, यू हैंड मी द बैग, अपना बैग मुझे दे देती हो, तुम पहले इंसान नहीं हो, मतलब इस तरह का बिहेव करने वाले तुम पहले इंसान नहीं हो, यू आर नॉट द फर्स्ट वन, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। सावधान रहना, जस्ट बी केयरफुल, सावधान रहना, जस्ट बी केयरफुल। तुम्हें कौन सा बेहतर लगता है, विच वन डू यू थिंक बेटर, विच वन मतलब कोई दो तीन चीज़ें हैं उनमें से किसी एक को चॉइस करेंगे तो विच वन डू यू थिंक बेटर, विच वन डू यू थिंक बेटर। क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, व्हाट्स, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। दुर्भाग्य से मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, अकेला मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकता, हर समय हर निगाह रखनी है, तो दुर्भाग्य से को बोलेंगे अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मैम आई कांट लीव यू अनअटेंडेड, मतलब हर समय उनको अटेंशन देनी है, उन पर निगाह रखनी है, तो आई कांट लीव यू अनअटेंडेड, अनफॉर्चुनेटली मैम आई कांट लीव यू अनअटेंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें एहसास है, डू यू रियलाइज, रियलाइज होता है एहसास होना, डू यू रियलाइज कि मैं अपने कपड़े उतारने जा रही हूँ, दैट आई एम गोइंग टू टेक माई क्लोथ्स ऑफ, टेक ऑफ होता है एक तरह से निकालना, तो दैट कि आई एम गोइंग टू टेक माई क्लोथ्स ऑफ, मैं अपने कपड़े उतारने जा रही हूँ, डू यू रियलाइज दैट आई एम गोइंग टू टेक माई क्लोथ्स ऑफ। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, आई वॉन्ट बी इन योर वे, आई वुड नॉट बी इन योर वे, अर्थात मैं आपको अनअटेंडेड नहीं छोड़ूंगा, और अगर आप कपड़े भी उतार रहे होंगे तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, कुछ गलत नहीं करूँगा, तो आई वॉन्ट बी इन योर वे, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगा, आई वुडंट बी इन योर वे। मैनेजर को यहाँ बुलाओ, गेट योर मैनेजर हेयर, गेट का मतलब यहाँ प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पर मैनेजर को बुलाओ, गेट योर मैनेजर हेयर, गेट योर मैनेजर हेयर। क्या आप फिटिंग रूम में आ सकती हैं, कैन यू कम इन टू द फिटिंग रूम, इन टू द मतलब फिटिंग रूम के अंदर के लिए इन टू यूज़ किया गया है, कैन यू कम इन टू द फिटिंग रूम, क्या आप फिटिंग रूम में आ सकती हैं, कैन यू कम इन टू द फिटिंग रूम। क्या मामला है मार्टिन, व्हाट्स द मैटर, मैटर होता है मामला, व्हाट इज़ द मैटर मार्टिन, क्या मामला है, व्हाट इज़ द मैटर। मैं आपके कर्मचारी की पूरी तरह से अवैध कार्रवाई की शिकायत करना चाहती हूँ, शिकायत करना चाहती हूँ, इस सबसे पहले इसका सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू रिपोर्ट टोटली, पूरी तरह से टोटली, आई वॉन्ट टू रिपोर्ट टोटली इलीगल एक्शन, इलीगल एक्शन अवैध कार्यवाही, अवैध
जो कि नियमानुरूप ना हो, इलीगल एक्शन ऑफ योर एम्प्लॉय, आपके कर्मचारी की, आई वॉन्ट टू रिपोर्ट टोटली इलीगल एक्शन ऑफ योर एम्प्लॉय। वॉट काइंड ऑफ एक्शन, किस तरह की कार्यवाही, वॉट काइंड मतलब किस तरह की, ऑफ एक्शन कार्यवाही, वॉट काइंड ऑफ एक्शन किस तरह की कार्यवाही, आपके कर्मचारी ने मेरे निजी सामान को खुद को देने के लिए जिद की, मतलब अपने पास रखने के लिए जिद की। तो योर एम्प्लॉय इंसिस्टिंग मी, इंसिस्ट होना होता है जिद करना, योर एम्प्लॉय इंसिस्टिंग मी हैंडलिंग ओवर, हैंडलिंग ओवर अपने सुपुर्द करने के लिए, हैंडलिंग ओवर माई पर्सनल बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मतलब उसका पर्सनल सामान, उसका खुद का निजी सामान, बिलोंगिंग्स टू हिम उसको, योर एम्प्लॉय इंसिस्टिंग मी हैंडलिंग ओवर माई पर्सनल बिलोंगिंग्स टू हिम, आपके कर्मचारी ने मेरे निजी सामान को खुद को देने के लिए जिद की। बिना किसी वैध कारण के, विदाउट अ वैलिड रीजन, विदाउट अ वैलिड रीजन मतलब जिसका कोई और छोर ही नहीं है बेवजह की बात पर, विदाउट अ वैलिड रीजन। दूसरा, उसने मेरा फिटिंग रूम में पीछा किया, सेकंड ही फॉलोड मी इनटू द फिटिंग रूम, फॉलो मैंने होता पीछा करना, फॉलोड मी इनटू द फिटिंग रूम, ही फॉलोड मी इनटू द फिटिंग रूम। और पर्दे हटाकर सबके सामने कपड़े बदलने की मांग रखी, एंड डिमांडेड, डिमांडेड मतलब मांग रखी, आई चेंज क्लोथ्स, चेंज क्लोथ्स कपड़े बदलूँ विद द कर्टिन ओपन, पर्दे खोल कर, इन फ्रंट ऑफ एवरी वन सबके सामने, एंड डिमांडेड आई चेंज क्लोथ्स विद द कर्टिन ओपन इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, और पर्दे हटाकर सबके सामने कपड़े बदलने की मांग रखी।